सो 3.3 क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस, ठीक है. तो 3.3 क्या है, दैट इज द एक्सरसाइज व्हिच इज बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस. ठीक है, तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है. ठीक है, ऑब्वियसली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम हम लोग फॉर्मूला पे ही करेंगे. सो परम्यूटेशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट आर पॉसिबल, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. So it is the total number of arrangements that is permutation. So given कुछ भी values होगा, ठीक है, given values के लिए आप कितने possible तरीके से values को arrange कर सकते हो, ठीक है. तो जितना तरीके से आप values को arrange कर सकते हो, अरे किधर आ रहा क्या, हाँ बैठ, तो आप पे कितना तरीके से आप वैल्यूज को अरेंज कर सकते हो, दैट इज बेसिकली परम्यूटेशन. हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर टू अरेंज द गिवन वैल्यूज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन अ फॉर्मूला फॉर दैट. ओके ओके, एंड देन फिर उसका सम सब लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब क्या, व्हाट एग्जैक्टली आर वी सेइंग. सपोज वी हैव सम वैल्यूज लाइक पी क्यू आर करके आपको दिया है, और ये पी क्यू आर में से आपको तीन वैल्यूज में से तीनों को आपको आपस में अरेंज करना है. ठीक है, पी क्यू और आर वैल्यूज को आपको क्या करना है, आपस में अरेंज करना है. व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग इट, क्या लगा कितना तरीके से आप पी क्यू आर को अरेंज कर सकते. सोचिए बताओ, मतलब वैल्यूज बताओ क्या क्या आएगा. एक वैल्यू पी क्यू आर, और क्या पॉसिबल वैल्यू है. हाँ, आर पी क्यू, ठीक है चलेगा, आर पी क्यू और क्यू पी आर, ठीक है, क्यू आर पी, ओके, पी आर क्यू, आर क्यू पी, correct. So these are the possible values that we can have. और कुछ possible value लगा रखने को नहीं, correct. So these are the only possible values that we can obtain. Total कितना आया ये, six. So there are six ways of arranging three values in three places. मतलब तीन का तीन को आपस में arrange करने का possibilities का, ठीक है. So आप तीन का तीन को आपस में arrange करने का total possibilities कितना आ रहा है, six. Okay. सोच के देखो, इफ वी हैड से पी क्यू आर एस, लेकिन इस बार आपको बोला है कि यू हैव टू अरेंज ओनली टू ऑफ द, ठीक है, आपको कितने वैल्यूज को अरेंज करना है, टू वैल्यूज को अरेंज करना. यू डोंट हैव टू अरेंज ऑल द फोर ऑफ देम अमंग देमसेल्व्स, यू हैव टू अरेंज टू ऑफ देम. ओके, बताओ क्या क्या अरेंजमेंट्स आना चाहिए इसका. पी क्यू आर एस पहला क्या हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या क्या आएगा, दिस विल बी पी क्यू क्यू पी, ठीक है, आर एस एस आर, ओके, एस आर एस आर, हाँ ठीक है. एक थोड़ा एक सिस्टमैटिकली रख के देखते. सपोज वी कैन से इट लाइक पी का लेटर से जब आप स्टार्ट करो, सो पी क्यू पॉसिबल होगा, पी आर पॉसिबल होगा, पी एस पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्यू पी क्यू आर क्यू एस, यहाँ पे एस पी एस क्यू एस आर, यहाँ पे आर आर पी आर क्यू आर एस, करेक्ट. तो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज एट गेट. तो चार में से दो वैल्यूज को अरेंज होने का कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है, कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है, चार में से दो वैल्यूज को जब आप अरेंज करो,
तो कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है? टू है. ओके, तो भी अरेंजमेंट हो गए सर, मतलब because there should be some formula by which we should be able to get these answers correctly, right? Okay. So यहाँ पे the formula that we actually use is n factorial upon n minus r factorial. Okay. Formula हम लोग क्या use करते हैं? It is n factorial upon n minus r. So factorial इसके लिए आपको पहले ही समझाया था last time lecture में, वही किया. So actually इसको ऐसे लिखते हैं. This is n p r. Okay. N p r. मतलब n वैल्यूज में से आपको r प्लेसेस पे अरेंज करना था, तो n p r, या n प्लेसेस में आपको r वैल्यूज को अरेंज करना था, जो भी हो n p r ऐसे होगा. सो दिस विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ऑफ कोर्स इन दिस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r. नेवर कैन वी हैव अ वैल्यू ऑफ r विच इज मोर देन n. आप 10 वैल्यूज को तीन प्लेस पे अरेंज करो, 10p3. सो वी हैव 10 वैल्यूज टू बी अरेंज इन थ्री प्लेसेस, 10p3 होगा. देयर आर 10 प्लेसेस एंड यू हैव टू फिल देम विद थ्री वैल्यूज, स्टिल इट विल बी रिटन एज 10p3 ओनली, इट विल नॉट बी रिटन एज 3p10. मैं आ रहा क्या बोलूं? सो 10 वैल्यूज था आपको तीन प्लेस में उसको अरेंज करना था 10p3. 10 प्लेसेस था आपको उसमें तीन वैल्यूज को अरेंज करना था, तो भी आप क्या लिखोगे? 10p3. जो भी होगा n का वैल्यू r से हमेशा ग्रेटर ही होगा, या क्या हो सकता है? अब ये वाला जो हम लोगों ने देखा था, इसमें कैसा था? तीन वैल्यूज को तीन प्लेस पे अरेंज किया, करेक्ट? तो मतलब आपने क्या लिखना चाहिए? दैट विल बी 3p3, करेक्ट? तो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला 3p3 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा. व्हाट इज 3 माइनस 3 फैक्टोरियल? 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, करेक्ट? सो आप पे दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल व्हिच इज 1, 3 फैक्टोरियल इज 6. तो याद हम लोग देख सकते हैं, लिखने में भी वही आ रहा था, अभी फॉर्मूला से भी वही आ रहा. ओके, वहां पे देखते हैं यहाँ पे कितना वैल्यूज था, कितना वैल्यूज पे अरेंज करना था, मतलब कितना प्लेस पे अरेंज करना था आपको? 2. सो 4 वैल्यूज को 2 प्लेस पे अरेंज करना था, या 4 में से 2 वैल्यूज को आपको अरेंज करना है, जो भी. तो इसको आपको क्या लिखना चाहिए? ऐसे कैसे लिखू? दैट विल बी 4p2, बराबर? 4 में से 2 वैल्यूज को अरेंज करना था, या 4 में से 2 प्लेसेस में अरेंज करना था, 4p2. So this will become 4 factorial upon 4 minus 2 factorial. So this is 4 factorial upon 2 factorial. Yes, sir. Abhi 4 factorial matlab? 4 into 3 into 2 factorial. Correct. So you can reduce this. So this will now become 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. 2 factorial cancel, 4 threes are. So you can see aap likhne pe bhi 12 aa raha, formula se bhi 12. Tumhe aa raha? So the formula is NPR n factorial upon n minus r factorial. So this is the formula by which we solve the factorials or permutations. Okay, this is the formula by which we solve the permutations. But इसको करने का और भी सिंपल तरीका है. Okay, so if we are trying to find the permutation, suppose आपको 7 में से 3 values को arrange करना था, या 7 वैल्यूज को 3 प्लेसेस पे अरेंज करना था, तो आपको क्या लिखना चाहिए? 7p3. 7 में से 3 वैल्यूज को अरेंज करना था, तो यू शुड बी राइटिंग इट एज 7p3. ओके, अब इसको कैसे हम लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते, सिंपल में कैसे सॉल्व कर सकते? सो यहाँ पे क्योंकि 3 लिखा हुआ है, 7p क्या लिखा है? 3. सो आप 7 से स्टार्ट करके 3 वैल्यूज रिड्यूस करके लिखो, मतलब आपको क्या लिखना चाहिए? दैट शुड बी 7 × 6 × 5, 3 वैल्यूज को रिड्यूस कर, 7, 6, 5. ओके, सो वी रिड्यूस 3 वैल्यूज फ्रॉम 7 एंड दैट इज द आंसर, 7, 6, 5. यही उसका आंसर है. 7p3 का आंसर क्या होगा? 7 × 6 × 5. चेक करना है, देखो आप, इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला, ये क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. So that is 7 factorial upon 4 factorial, 7 × 6 × 5 × 4 factorial upon 4 factorial.
कट हो जाएगा 765। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। तो जनरली हम लोग जब सम्स करते हैं वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। हम लोग क्या करते हैं वी फॉलो दिस मेथड, इस मेथड से डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर लिख लेते 7 × 6 × 5। सपोज द क्वेश्चन कंटेन समथिंग लाइक से 11P4, क्या लिखना शिफ्ट 9 × 11 × 10 × 9 × 8। आपने चार वैल्यूज रिड्यूस किया और सुना रही। सपोज द क्वेश्चन कंटेन समथिंग लाइक से 10P3, क्या लिखना चाहिए? सो आप क्या आएगा, दिस विल बी n × n-1 × n-2। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ आर आर गिवन दी, मतलब आर का वैल्यू क्या दी, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर दैट इज गिवन टू अस, वी कैन रिड्यूस दैट मेनी टर्म्स एंड गेट द रिक्वायर्ड परमिटेशन। बट स्टिल क्या ये फॉर्मूला के बगैर हम लोग का काम हो सकता है हर बार? नहीं, फॉर्मूला करना जरूरी है, फॉर्मूला आना जरूरी है, बिकॉज there might be some question where it is written something like say 9PR, ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये वैल्यू आपको पता नहीं है। यू नो वट इज द वैल्यू ऑफ n, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ r। सो ऐसे केस पे यू हैव नो अदर ऑप्शन बट यूज दिस फॉर्मूला, करेक्ट? तो वहां पे आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला टू गेट द आंसर। So these are the formulas of permutation. This is the formula for permutation method. Okay. So पहला चार पांच क्वेश्चन, चार क्वेश्चन you can say. पहला चार क्वेश्चन जो है they are just based on formula and method of reduction and all. फाइव से आगे जो है they are all word problems. So word problems में you will have to read the statement, understand what is n, what is r and solve. वो तो काफ़ी सारा उसमें एक्सप्लेनेशन करना है, बट मेनी क्वेश्चंस आर सिमिलर ऑल्सो, लाइक एक ही टाइप का सम काफ़ी जगह पे आए, इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है, बट यस इट इज क्वाइट सोशल सब्सक्रीज। ठीक है, सो देखो आप क्या है वो फर्स्ट क्वेश्चन 3.3 फर्स्ट सब क्या लिखा आप np6 = np3 इक्वल टू क्या दिया 120:1। सो फर्स्ट क्वेश्चन np6 = np3 = 120:1। ठीक है, तो np6 = np3 np6 मतलब कितना वाले रिड्यूस करना है, कितना वाले रिड्यूस करना है, 6 वाले इसको रिड्यूस, करेक्ट? तो पहला नंबर क्या होगा यहाँ पे 10, फिर कितना 6, 6 वाले इस रिड्यूस हो गया है, स्टॉप कर दिया। ठीक है, p2 मतलब ठीक है, सो आप डिवाइड होगा, सो इस np3 क्या होना चाहिए, सो n n-1 n-2 दिस इज 120:1, सो दैट इज 120/1। सो आप क्या हो गया, n कट हो गया, n-1 कट हो गया, n-2 कट हो गया, सो यहाँ पे क्या हो गया n-3 n-4 n-5। सो दीज आर 3 consecutive natural numbers written in the descending order. n-3 n-4 n-5 ऐसा 3 consecutive numbers. मतलब 120 को क्या लिखना चाहिए? 4 × 5 × 6 Descending order में लिखेंगे of course. So it is not 4 × 5 × 6. We should be writing it as 6 × 5 × 4. Okay. So आप है this will be n-3 n-4 n-5. So not 4 × 5 × 6 but 6 × 5 ×
फिर आप क्या करोगे कंपेयर, ठीक है, 7-3 विल बी कंपेयर टू 6, 9 विल बी इक्वल टू, सो फर्स्ट टर्म यहाँ से सेलेक्ट किया तो फर्स्ट टर्म भी वहाँ से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल कंपेयर गेट द रिक्वायरमेंट्स, समझाइए आउट है किसी को। नेक्स्ट सेकंड क्या लिखा आपने, फाइंड एम एन एन, एम प्लस एन पी टू क्या दिया है, दिस इज और एम माइनस एन पी टू, सो एम प्लस एन पी टू ऐसा लिखा, वट शुड बी द टर्म्स, कितना टर्म्स रिड्यूस करना चाहिए आपको, सो एम प्लस एन पी टू लिखा है, क्या लिखना चाहिए इसको, एम प्लस एन और दूसरा क्या होगा, एम प्लस एन, सो दिस विल बी एम प्लस एन, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 56, 56 को क्या लिखना चाहिए, जब रिड्यूस करके लिखेंगे तो क्या टर्म्स लिखना चाहिए, एम माइनस एन एंड एम माइनस एन माइनस वन, सो एम माइनस एन, एम माइनस एन माइनस 12 को क्या लिखेंगे, 4 into 3, फिर आप कंपेयर करना, एम माइनस एन विल बी इक्वल टू आउट है किसी को आता, सो दिस इज योर इक्वेशन, फिर बाद में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना एम और एन का वाली फाइंड कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वहाँ पे क्या लिखा है, 12 PR-2 इज इक्वल टू 11 PR-1, इट इज गिवन टू अस एज 3:14 एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, 12 PR-2 = 11 PR-1, दिस इज 3:14, ओके, सो अभी यहाँ पे R का वैल्यू आपको नहीं पता, करेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इस केस में वी विल हैव टू यूज द फॉर्मूला ओनली, ओके, तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दिस शुड बी रिटन इन दैट फॉर्म, करेक्ट, तो क्या लिखना चाहिए, 12 factorial upon 12 minus r minus 2 फैक्टोरियल, आउट है किसी को इसमें, गलत है क्या कुछ, बराबर है सब, प्रॉपर लिखा है, नहीं, ये R माइनस टू ब्रैकेट में होना चाहिए, ओके, क्योंकि वहाँ पे माइनस का साइन है बाहर, तो वी शुड बी राइटिंग दैट इन ब्रैकेट, तो इट इज 12 - R-2 फैक्टोरियल, दैट हैज टू बी इज टू 11 PR-1, क्या लिखना चाहिए इसको, 11 फैक्टोरियल अपॉन माइनस, सो 11 - R-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3:14, सो दैट इज 3/14, और कुछ, सो यहाँ पे इज टू का साइन है, इज टू है तो क्या करेंगे हम लोग, इंटू करके लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, सो एक्चुअली वो डिवाइड होना चाहिए था, बट हम लोग उसको इंटू करके लिखते हैं और डायरेक्टली क्या लिखते हैं उसका रेसिप्रोकल, so this is now 12 factorial upon, देखो आप 12 - R - -2 हो जाएगा, so 12 + 2, so I'll directly write it as 14 - R factorial into यहाँ पे 11 - so that is 12 - R factorial upon 11 factorial 3/4, तब ये कुछ याद है, अभी आप रेड्यूस करो टर्म्स को, जो ग्रेटर है उसका आप रिड्यूस करो, करेक्ट, सो 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल में किसको रिड्यूस करना है, 14 - R 12 - R में किसको रिड्यूस करना है, 12 - R की 14 - R
क्या बोला था तुमको कैसे चेक करने का? क्या रेडीज होगा? अभी आंसर इज 14 माइनस आर इज टू बी रिड्यूस। कैसे चेक किया आपने? आर के पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो बस आई सब्स्टिट्यूटेड 10, सो 14 माइनस 10 विल बी 4, 12 माइनस 10 विल बी 2, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर है वही रिड्यूस होगा, सो 14 माइनस आर इज द ग्रेटर टर्म ओवर हियर। आउट किसी को? ठीक है, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 12 इनटू 11 फैक्टोरियल। इसको लिखा 14 माइनस आर, 13 माइनस आर, 12 माइनस आर फैक्टोरियल, 12 माइनस आर फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 3 अपॉन 14। सो 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल कट, 12 माइनस आर, 12 माइनस आर फैक्टोरियल कट। और कुछ कट हो रहा है यहाँ पे? वो तो मल्टीप्लाई होगा ना, जब इधर आएगा 14 इंटू 12 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। वी कैन नॉट कैंसिल दिस टर्म ओवर हियर, ऐसा कट नहीं हो सकता, बिकॉज वो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होने वाला। 14 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई टू 12, वी कैन नॉट कैंसिल इट। हाँ वो डिनोमीटर में है, जब अभी फिलहाल डिनोमीटर में है, बट जब आप कैंसिलेशन का बात कर रहे हो सो दिस विल बी कमिंग एट द न्यूमरेटर ना, तो 14 इंटू 12 है, सो हाउ कैन वी कैंसिल 14 एंड 12? 3 हो सकता है, सो आप ए 3 कैन कैंसिल दिस, सो 3 4s आर 12, ये राइट है। ओके, यू कैन नॉट कैंसिल 12 एंड 14, बट 3 कैन कैंसिल 12 इन दिस केस। ठीक है, सो ये वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 14 इनटू 4, 14 इनटू 4 मतलब कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो? 14 इंटू 4 कितना होता है? 56 होता है। सो दिस इज 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर। फिर मैम क्या बोली? शाबाश। ठीक है, सो यहाँ पे 8 इंटू 7 आएगा, दिस इज 14 माइनस आर इंटू क्या होगा? 13 माइनस आर। फिर आप कंपेयर करना। ठीक है, तो 14 माइनस आर विल बी कंपेयर टू या 13 माइनस आर विल बी कंपेयर टू, तो यहाँ पे 13 माइनस आर यहाँ से लिया तो 7 यहाँ से लेना पड़ेगा, कोई भी एक वैल्यू आप प्रॉपरली कंपेयर करें। सो आई एम टेकिंग 14 माइनस आर इक्वल टू क्या लिखा? 8। सो व्हाट इज आर इक्वल टू देन? 6। सो 14 माइनस 8 हो जाएगा, सो आर विल बी इक्वल टू 6। और कुछ समझा कि नहीं? देखो इतना डाउट है किसी को ये सब में? सो अभी यहां से आगे वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ परम्यूटेशन। अभी सो वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ परम्यूटेशन करना कंप्लीट। हाँ समझाएंगे, इसके लिए टाइम पे आने का। सुना भी तो परम्यूटेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखो जितना तुम लोग उसको ज्यादा सोचोगे समझने ट्राई करोगे उतना वो ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, जितना तुम लोग सोचने वाले हो, जितना तुम लोग समझने को ट्राई करोगे उसको, यू विल ओनली गेट कंफ्यूज मोर एंड मोर। तो आप इसको कैसा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सा माइंड में रखो दैट यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एंड यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आप सिर्फ सम्स के बीच में जब पढ़ोगे स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आप ऐसे सोचना कि इसमें एन का वैल्यू क्या है और आर का वैल्यू क्या है। जितना आप उसको इतना सा सोचने का ट्राई करोगे उतना बेटर आपको आंसर्स आ जाएगा। देखा भी सुना भी तो
जितना तुम लोग इसको सोचने ट्राई करोगे उतना तुमको डिफिकल्ट लगेगा। जितना पॉसिबल है यू शुड बी थिंकिंग ओनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन द क्वेश्चन। मतलब कितना वैल्यूज दिया है, कितना प्लेस को अरेंज करना है, या कितना प्लेसेस है और उसमें कितना वैल्यूज को अरेंज करना। जितना आप इतना ही स्टेटमेंट सोचोगे उतना बेटर आपको समझना। ज़्यादा डीप में सोचने ट्राई करोगे यू विल गेट मोर एंड मोर कन्फ्यूज। ओके, सो कट टू कट इतना ही सोचो, यू विल गेट अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग द आंसर। ठीक है, तुमने आ रहा क्या बोलो, ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ इतना सोचो एन क्या है आर क्या है बस, बाकी कुछ नहीं। अब वैसे एक और बात, जब हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था एन पी आर का, ओके, सो एन पी आर में इफ यू सी व्हेन वी वर अरेंजिंग टू वैल्यूज आउट ऑफ फोर, ऐसे सब जब अरेंज कर रहे थे, सो वी टुक द वैल्यूज लाइक पी क्यू पी आर पी एस, बट वी डिड नॉट टेक अ वैल्यू लाइक पी पी और क्यू क्यू और आर आर और एस एस, ऐसा नहीं। दैट इज वी डिड नॉट टेक द रिपीटेशन। ठीक है, वी डिड नॉट टेक अ वैल्यू ऑफ रिपीटेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये फॉर्मूला कब है, व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर ऐसे रहा, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब एन पी आर के लिए ही, बट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, सो द फॉर्मूला इन दिस केस विल बी एन रेज टू आर। ठीक है, फॉर्मूला इस केस में क्या होगा, दैट विल बी एन रेज टू आर। मतलब क्या फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए, या फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के लिए, सबके लिए इक्वल पॉसिबिलिटीज या इक्वल नंबर्स ही रहेंगे, दैट विल बी एन रेज टू आर। अभी ये केस पे सोच के देखो, अगर इस पे रिपीटेशन अलाउड होता, अगर तो रिपीटेशन अगर अलाउड होता तो आप लेटर्स क्या क्या लिख सकते थे, यहाँ पे पी पी, यहाँ पे क्यू क्यू, यहाँ पे एस एस और यहाँ पे आर आर। दिस इज व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। टोटल कितना हो जाएगा इसमें, अभी 16, ये 12 और वो 4, सो देयर आर 16 पॉसिबिलिटीज इन दिस। अब ये केस में देखो, इसका फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई किया तो कैसे दिखेगा, एन टोटल वैल्यूज था, कितने प्लेस पे अरेंज करना था, टू प्लेस पे अरेंज, करेक्ट, एन फोर पॉसिबिलिटीज में से यू हैव टू अरेंज इन टू प्लेसेस विद द रिपीटेशन बीइंग अलाउड, सो दिस विल बी ऑटोमेटिकली बिकमिंग 4 रेज टू 2, 16। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन पे लिख के भी 16 ही आता है और फॉर्मूला से भी क्या आता है, 16। So when the repetition is allowed, the formula is n raised to r. When the repetition is not allowed, then the formula is np. आवडे कुछ समझ आ रहा क्या होगा? Repetition allowed होने पे, not allowed होने पे। जहाँ पे भी आपने ये formula लिखा था, वहीं पे कहीं पे लिख कर number of arrangements when permutation, अच्छा number of arrangements when repetition is allowed. वहीं पे कहीं पे लिख के रखो ये वाला फॉर्मूला भी, ये स्टेटमेंट भी लिख के रखो कि इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज एन रेज टू आर। सो देखो आप क्वेश्चन नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ कोर्स ये एक्चुअली होमवर्क के लिए दे सकते हैं, बट ठीक है चलेगा, एक समय करता हूँ ऐसे सिंपल वाला, बाद में होमवर्क। ठीक है, तो आप इस समय क्या बोला, इन हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, कितना लेटर का वर्ड्स बनाना है आपको, मतलब जगह कितना है, चार जगह है लेटर्स के। सो हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड माधुरी इफ द लेटर्स कैन बी रिपीटेड, फर्स्ट केस, सेकंड केस लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। फर्स्ट केस लेटर्स कैन बी रिपीटेड, सेकंड केस लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। सो आप ये सोच के बताओ, क्या बोला आपने, द वर्ड गिवन इज माधुरी एंड यू हैव टू फॉर्म फोर लेटर वर्ड्स। यहाँ पे फोर लेटर का वर्ड्स बनाना है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड माधुरी। ओके, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड माधुरी, पहला केस है व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड एंड द सेकंड इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो रिपीटेशन इज अलाउड
And the second is repetition is not allowed. So here we go. Repetition is allowed. क्या आएगा इसका आंसर? उसने आंसर किया है मतलब इसका आंसर किसी और के पास कोई और आंसर है? आंसर क्या है जोर से बोल. She is answering it as 7:4. किसी और को कुछ डाउट है इसमें? Anyone has any doubt in this? So she is saying the answer should be 7:4, which is correct. Okay, 7:4 right होगा. Doubt है किसी को इसमें? Problem है किसी को समझा कि नहीं? 7:4 is obviously correct. 7:4 का मतलब क्या है? 7 total values था. आपको 4 values में arrange करना था. 4 letter का words बनाना. Repetition allowed है. 10:4 ही होगा इसका form. तो total कितना letters था? सब में 7 letters था. कितना place पे arrange करना था? 4 place. Obviously this 7:4. और किसी के सामने. Second case, repetition is not allowed. Answer. सेवन पी फोर का फॉर्मला यूज करो. ठीक है, सो दिस विल बी रिटन एज 7P4, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल. वही फॉर्मला लिख के दिया था ना आपको अभी. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के लिए क्या लिखना है? NPR. अलाउड के लिए क्या लिखना है? N:R. अभी तो वही समझा रहा हूँ. करेक्ट, सो डायरेक्टली विल बी राइटिंग इट एज 7P4, फिर बाद में 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, या डायरेक्टली आप इसको लिखो 7 × 6 × 5, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. समझ आ रहा क्या बोलो? आउट है किसी को? समझा क्या? नहीं. ठीक है, देखो आप अभी ये सब सम्स वर्ड प्रॉब्लम्स है तो स्टेटमेंट्स आपको लिखना पड़ेगा. जरा आई लिख इट. देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन के लिए, वी हैव टू फॉर्म फोर लेटर वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड माधुरी. सो पढ़ के देखो आप ही क्या लिखा है. डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम सच दैट. फर्स्ट क्या बोला है? वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर. सो यू हैव टू अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम So you have to arrange the letters of the word algorithm such that the vowels are always together. ठीक है, तो आपको सबका सब बैठ के अरेंज नहीं करना है. ओके, सबका सब बैठ के आपको अरेंज नहीं करना है आपको, लेकिन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करना. ठीक है, यू कैन नॉट सिट एंड राइट ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स जहाँ पे वॉवल्स टुगेदर. ठीक है, सारे के सारे अरेंजमेंट आप वॉवल्स टुगेदर वाले लिखते बैठोगे तो होगा क्या? मतलब आप तो कर लिख पाओगे क्या? आप क्या लग रहा है? सो आपके वॉवल्स आर टुगेदर, सो यू हैव टू अरेंज द लेटर्स इन सच अ मैनर दैट द वॉवल्स आर टुगेदर. ओके, यू हैव टू अरेंज द letters in such a manner that the vowels will be always kept together. मतलब क्या यहाँ पे vowels क्या क्या है? A, O, R. तो ये A, I, O, U नहीं, सारे के सारे vowels, यहाँ के vowels क्या होंगे? तो A, O, R. Okay? So you have to see to it that the vowels are kept together. बाकी का letters जो है they can be written anywhere. But these three letters are to be kept together. तुमने आ रहा क्या बोलो? तो आपका जो भी वर्ड आप बनाओगे, you have to see to it that the vowels are together. The consonants can be anywhere, but the vowels will be together. तो मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे मैंने O लिख दिया, उसके आजू बाजू में ही मुझे क्या लिखना पड़ेगा?
ए और आई भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने आई का पोजीशन कहीं और लिखा तो उसके आजू बाजू में ही कुछ क्या लिखना पड़ेगा, ए और ए ओ भी लिखना ही पड़ेगा। तुमने आ रहा क्या बोला? सो वी हैव टू सी टू इट दैट द वॉवल्स आर टूगेदर, वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द वॉवल्स, अलग अलग पोजिशन पे आ सकते हैं वॉवल्स, लेकिन साथ में ही आएंगे। मतलब कोई ए अगर कहीं पे और लिखा भी है तो भी उसके साथ में ओ और आई जरूर आएगा। ऐसे ना आ रहा? सो ऐसे नहीं कि ए ओ और आई यही पे हो सकता है, नहीं, दे कैन बी एट द फर्स्ट पोजिशन, दे कैन बी एट द सेकेंड, दे कैन बी एट द थर्ड पोजिशन, बट दे विल बी टूगेदर ऑलवेज, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला है द लेटर्स आर टू बी केप्ट टूगेदर, ठीक है, लेटर्स आर टू बी केप्ट टूगेदर, तो आपको क्या करना पड़ चाहिए यहाँ पे, यू शुड बी कंसिडरिंग दीज लेटर्स एज अ सिंगल ग्रुप, ठीक है। तो ये तीन लेटर्स के जैसा मैं ट्रीट करो, आप इसको एक सिंगल ग्रुप के जैसा ट्रीट करो, तो दिस इज एक्चुअली अ सिंगल लेटर, ऐसा सोचो, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अ सिंगल लेटर। तो आपने ए ओ और आई में से किसी को यहाँ पे लिखा तो बाकी के लेटर्स भी उसके साथ में मूव होंगे ऐसे, ठीक है। फिर आप बाकी के कॉन्सोनेंट्स को काउंट करो। अभी सोच के देखो, अगर मैं इनको आपस में अरेंज करता हूँ, आई विल गेट द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड द ग्रुप ऑफ वॉवल्स, बराबर। टोटल अरेंजमेंट मुझे किसका मिल जाएगा, कॉन्सोनेंट्स का और ग्रुप ऑफ वॉवल्स का टोटल अरेंजमेंट साथ में मिल जाएगा। देखो आप, कितना लेटर्स है, करेक्ट। तो आपने क्या किया, यू कंसिडर देम एज वन ग्रुप, यू कंसिडर द वॉवल्स एज वन ग्रुप एंड देन काउंट। तो काउंट करने पे कितना आया, सेवन। ऑब्वियसली सेवन लेटर्स को आप कितने प्लेस पे अरेंज करोगे, सेवन प्लेस पे अरेंज करोगे, ओके। सेवन लेटर्स को यू विल बी अरेंजिंग देम इन द सेवन प्लेस, सो दिस विल बिकम सेवन फैक्टोरियल, ओके। सेवन पी सेवन ऑब्वियसली विल बिकम सेवन एन पी एन एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। एन पी एन पी इज ऑलवेज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो सेवन पी सेवन विल बी इक्वल टू सेवन फैक्टोरियल। अभी सोच के देखो, क्या मैं वॉवल्स को आपस में अरेंज करूँ तो नया नया वर्ड्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए ओ और आई, इफ आर राइटेड एज ए आई ओ और ओ ए आई ओ आई ए, ये सब अगर लिखा तो नया नया अरेंजमेंट्स बनेगा, एल जी आर टी एच एम, ये सब उसी पोजिशन पर रखे। अगर मैंने ये लेटर्स को आपस में अरेंज किया, एक नया अरेंजमेंट बन रहा हो, करेक्ट। दैट इज अ न्यू वर्ड दैट इज गेटिंग फॉर्म, ऑफकोर्स द वर्ड माइट नॉट बी मीनिंगफुल बट स्टिल अ न्यू वर्ड इज गेटिंग फॉर्म। नारा क्या बोलूँ, आउट है किसी को इसको? तो मतलब इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, इनको मतलब थ्री वॉवल्स, थ्री वॉवल्स को कितना प्लेस पर अरेंज करेंगे, थ्री प्लेस पे अरेंज करेंगे, ठीक है। थ्री वॉवल्स को कितना प्लेस पे अरेंज करेंगे, सो थ्री वॉवल्स को थ्री प्लेस पे अरेंज किया थ्री पी थ्री करके, सो दैट विल बिकम थ्री फैक्टोरियल। सो आपका फाइनल आंसर कैसे दिखेगा, सेवन फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म्स को जब आप साथ में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये वर्ड कंप्लीट होने के लिए यू हैव टू अरेंज देम टुगेदर, करेक्ट। तो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर टू बी अरेंज टुगेदर, सो फॉर दैट वी विल बी मल्टीप्लाइंग देम, सेवन फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। टुगेदर के सम्स को कैसे करते, हम लोग कैसे करते, पहले क्या करते हम लोग, जो भी लेटर्स को टुगेदर रखने बोला था, वी कंसिडर देम एज वन ग्रुप, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते, वी कंसिडर देम एज वन ग्रुप, देन वी काउंट, ठीक है। देन क्या करेंगे, वी काउंट, काउंट करने पे कितना लेटर्स दिख रहा था, सेवन। कॉन्सोनेंट्स का और वॉवल्स का ग्रुप को काउंट करने में कितना आया था, सेवन। सो देयर वर सेवन लेटर्स ओवर हियर, सो द सेवन लेटर्स विल बी अरेंज्ड इन सेवन प्लेसेस मेकिंग इट सेवन फैक्टोरियल, एंड देन द ग्रुप ऑफ वॉवल्स विल बी आल्सो अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स, सो दैट इज थ्री पी थ्री, दैट इज थ्री फैक्टोरियल। देन सबको मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ रहा है। सबको ये कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले क्या करने का, वॉवल्स को ग्रुप में कंसिडर करें, फिर काउंट करें वॉवल्स का ग्रुप और बाकी का कॉन्सोनेंट्स को काउंट करें, फिर नहीं, पहले आप उसको अरेंज करो, मतलब जो भी इतना भी लेटर्स आया था आप उसको आपस में अरेंज करो, ठीक है। फिर अरेंज होने के बाद में, एक बार अरेंज हो गया था, आपने ये पार्ट अरेंज कर लिया, फिर वॉवल्स का ग्रुप को अरेंज करो, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, वॉवल्स के ग्रुप को, तब आपको उसका टोटल आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका फाइनल आंसर आएगा।
नारा क्या बोलो? ओके थोड़ा सा नाम सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाम क्या? जुजा। क्या बोला? जुजा स्पेलिंग सॉरी Suppose we are arranging the letters of the word Tanish. Okay. So we have to arrange the letters of the word Tanish such that vowels are kept together. कितना vowels है यहाँ पे? दो vowels. तो आपने क्या किया, दो वॉवल्स को साथ में एक ग्रुप में रखा और कॉन्सोनेंट्स के साथ में काउंट किया, कितना लेटर्स बन गया वो? फाइव लेटर्स बन रहा है, बराबर। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये दोनों को साथ में एक ग्रुप में रखा था। सो फाइव लेटर्स आर टू बी अरेंज इन फाइव प्लेसेस, सो दैट विल बी 5P5, दैट इज 5, 5। देन वॉवल्स को आपने आपस में अरेंज किया 2P2, सो दैट इज 2 packs। यू विल मल्टीप्लाई देन एंड यू विल गेट द रिक्वायरमेंट्स, 5 factorial into 2। ना आ रहा सब कुछ? ओके नेक्स्ट नंबर सेम ही आएगा तनिष और मनीष के लिए। मेरे का नाम थोड़ा छोटा है, मतलब 5 letters, 6 letters तक का नाम ले रहे हैं। विराज का भी नाम लिख सकते बट फिर बहुत छोटा था, कुछ क्या लिखे। ऋषिकेश का नाम काफी बड़ा है, मतलब काफी सारा लेटर्स है बट स्टिल वी आर नॉट टेकिंग हिज नेम बिकॉज उसके लेटर्स में नाम में लेटर्स में कुछ रिपीटेशन है, जैसे एच रिपीट हो जा रहा है। ओके तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज 3.4, मतलब इफ एट ऑल वो पोर्शन में है तो, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। तो लेटर्स अगर रिपीट हो रहा है मेथड में तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा कुछ डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग हिस्ट्री, सेम आएगा 6 letters है 2 vowels, लेटर रिपीट हो रहा है, लेटर सेम ही आएगा 6 letters है 2 vowel है। प्रणित करेक्ट, 6 letters and 2 vowels सेम ही आएगा एंड रिपीट हो रहा है, ए रिपीट छोटा सा नाम है। दुर्गेश, ठीक है, एक लेटर एक्स्ट्रा आ रहा है, 6 नहीं है। तो आप दुर्गेश, सो आपने क्या करना है, पहले वॉवल्स को एक ग्रुप कंसिडर करोगे कॉन्सोनेंट्स के साथ में, उसको काउंट करो। सो आप क्या हो गया, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड यू आर एक ग्रुप 6, सो दैट इज 6P। करेक्ट, फिर आपने 2P2P मल्टीप्लाई किया 2 factorial, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में 6 factorial into 2 factorial, दैट विल गिव योर फाइनल आंसर। सुना रही है? क्या नाम क्या था? आर्य। रिपीट, ए रिपीट छोटा नाम सत्यम संगा, ए रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, सुमित में भी ई रिपीट हो रहा है, रोशनी आई रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, आशिता सेम ही है 6 letters है, आई थे ये भी रिपीट भी हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, क्या स्पेलिंग है? अगर सिर्फ ए रखा तो तेरा नाम से हो सकता है। तो भले यहाँ पे 6 letters ही है बट इसमें वॉवल्स में थोड़ा डिफरेंस है, कितना वॉवल्स है यहाँ पे? 3 vowels। ओके सो यू कैन सी देयर आर 3 vowels ओवर हियर, तो अब जब आप काउंट करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा।
कितना लेटर्स आ रहा है टोटल? फोर आए, जैसे वन टू थ्री और वॉवल्स वाले का एक। देयर आर फोर लेटर्स टू बी अरेंज इन फोर प्लेसेस, फोर पे फोर, फोर फैक्टोरियल। वॉवल्स कितना है यहाँ पे? लेकिन थ्री, ए यू और आई। सो यहाँ पे इस पे क्या आएगा? दिस विल बी थ्री पी थ्री, थ्री फैक्टोरियल। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, विल गेट द फाइनल आ रही। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज आर केप्ट टुगेदर। ठीक है, वैल्यूज आर केप्ट टुगेदर के लिए ऐसे सॉल्व। क्या नाम क्या था? हम लोग सब लोग 3.4 के। ठीक है, सुना अभी देखो। अब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा वॉवल्स को ही टुगेदर रखने बोलेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, सपोज द क्वेश्चन सेज देयर इज अ वर्ड लाइक से हिस्ट्री एंड यू आर सपोज टू कीप टी एंड वाई टुगेदर। बोला है टी और वाई को क्या बोला है? दे आर सपोज टू बी केप्ट टुगेदर, टी और वाई टुगेदर। बताओ क्या आना चाहिए इसका आंसर? पहले आप इसको काउंट करोगे, टी और वाई को आपने एक ग्रुप रखा था, करेक्ट? कितना आ रहा है? सिक्स लेटर्स आ रहे। सो वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, थ्री सिक्स हो गया, मतलब सिक्स पैक। फिर आप इसको आपस में अरेंज करोगे, सो दैट विल बी टू पी टू, टू फैक्टोरियल हो जाएगा। सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस केस। डाउट है किसी को? सोचो आप इस समय ऐसे बोला कि y is always next to t, ठीक है? सपोज क्या बोला? y is always next to t, मतलब क्या? y is always next to t, t के बाद में क्या रहेगा? अब बताओ, ये तो मैंने बोला था, टुगेदर बोला था, y is always next to t, इसको आप कैसे अरेंज करो? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? इसका टोटल आंसर मतलब कैसे है? सिर्फ सिक्स फैक्टोरियल है, बराबर। इसका आंसर में क्या आएगा? सिर्फ सिक्स, मतलब ये जो आपने अरेंज किया ना फर्स्ट केस में, सिर्फ सिक्स फैक्टोरियल आएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि आप लोग पोजीशन चेंज नहीं कर, वाई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू टी, टी के ठीक बाद में क्या है? वाई, मतलब दोनों साथ में जरूर है, लेकिन टी बाद में और वाई पहला, ऐसा केस कभी नहीं है। सुना आ रहा है? वाई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू टी, मतलब ये जो टू फैक्टोरियल आप लिखते हो वो नहीं लिखो। आ रहे क्या बोले? आ रही है, समझा क्या? क्या बोलो? एक बार डाउट था ना, नहीं समझा। यहाँ पे क्या बोल रहे? वाई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू टी, मतलब टी के ठीक बाद में क्या होना चाहिए? ऐसा चलेगा क्योंकि वाई पहले आ गया और टी बाद में आ गया, तो यहाँ पे आपस में अरेंज होने का पॉसिबिलिटी निकल, मतलब ये पॉसिबिलिटी निकल। We are not going to arrange them among them. T is always going to be before Y. Y is always going to be next to T. So you can arrange the letters among themselves, but you cannot arrange the letter T and Y among themselves. बाकी का सब letters आप arrange करो, आपस में चलेंगे। That is why 6P6 आ रहा है, but T और Y आपस में arrange नहीं। तो ना आ रहा है, क्या बोल रहे? Doubt है क्या किसी को? Doubt है क्या कुछ? समझा क्या? क्या समझा? तो आप ही क्या बोला है कि नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, बेसिकली इट इज सेइंग लाइक वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। ओके, कोई भी वॉवल्स साथ में नहीं आ रहा। ओके, सो नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, और यू कैन से दैट द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, बोथ आर द सेम थिंग। तो इस पे आप कैसे अरेंज करोगे? हाउ कैन यू फाइंड द टोटल पॉसिबिलिटीज वेयर द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर? लेटर्स काउंट करेंगे, टोटल कितना आ रहा है? नाइन लेटर्स है, ठीक है। एल्गोरिथम वर्ड में टोटल कितना वर्ड्स है, मतलब लेटर्स है? नाइन, फिर नाइन फैक्टोरियल आ जाएगा। टोटल अरेंजमेंट अभी क्या होगा? नाइन फैक्टोरियल, फिर नाइन फैक्टोरियल निकाल के क्या, वो तो टोटल अरेंजमेंट हो गया। आपको ये देखना है कि कहाँ पे वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। आपको तो टोटल फाइंड करने में क्या फायदा हो गया? अगर आपने फाइंड भी किया टोटल नाइन फैक्टोरियल करके, हाउ डज दैट हेल्प द सम? क्या करना है? यस, इफ यू आर सेइंग कि टोटल वैल्यूज फाइंड करो,
चलो नाइन लेटर्स था आप, आपने नाइन फैक्ट वाले टोटल लेटर्स फाइंड किए, हाउ डज दैट हेल्प द सम? हां उसका वो तो पहले किया हुआ ना, टुगेदर वाला सम तो यहाँ पे रखा था, वॉवल्स का टुगेदर वाला ये था ना। फिर से अगर इन लोग सोच रहे कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये नाइन फैक्टोरियल टोटल पॉसिबिलिटीज में से सपोज हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया वेयर द वॉवल्स आर टुगेदर, ओके टोटल में से इफ आई सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज वेयर द वॉवल्स आर टुगेदर विल आई गेट दिस आंसर वेयर नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, क्या लग रहा? टोटल में से मैंने वो माइनस कर दिया जहाँ पे वॉवल साथ में है, तो क्या मुझे वो मिलेगा जहाँ पे वॉवल साथ में नहीं है, क्या लग रहा? यस, कितने लोगों को लग रहा है नहीं ऐसा नहीं मिलेगा, हाथ भर कर सबको ऐसे लग रहा है कि कितने लोगों को लग रहा है कि जब मैं ऐसे माइनस करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा नो टू वॉवल साथ में, कितने लोगों को ऐसे लग रहा है हाथ भर करो? इफ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल आई सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ वॉवल्स वेयर दे आर टुगेदर I should be getting vowels are not together. So, 1, 2, 3, 4, 5. Almost सबको यही लग रहा है, माइनस करने पे आ जाएगा, ठीक है? Obviously ऐसा नहीं है, वॉवल्स साथ में है, बट अगर आपने माइनस किया तो वॉवल्स नहीं साथ में वाला ही केस आएगा क्या? नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा पता है क्या? सम में क्या बोला है? नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। जब आपने टोटल में से ये निकाला जहाँ पे वॉवल्स साथ में थे तो वो केस बच जाता है जहाँ पे दो वॉवल्स शायद साथ में आए होंगे, करेक्ट? आपने माइनस क्या किया था? सारे वॉवल्स जो साथ में थे आपने वो माइनस किया, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट टू ऑफ द वॉवल्स पेयर टुगेदर एंड वन वॉवल वॉज डिफरेंट, मतलब सेपरेट पोजिशन पे, तो वो तो ये काउंटिंग में आ जाएगा ना। हम लोगों को तो ऐसा चाहिए कि एक भी वॉवल दूसरे के साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वॉवल्स अलग, बीच में क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स आना ही चाहिए, ऐसा सुन आ रहा है? यस सुन आ रहा है? सबको क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान में रखो ये क्वेश्चन में अगेन कुछ एक नया मेथड है जो आपको यूज करना पड़ेगा। इट इज नॉट समथिंग कि आप माइनस करो और आपको तुरंत आंसर आएगा, ऐसे छोटा सम नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो आप पहले क्या करो, बाकी के लेटर्स को मतलब कॉन्सोनेंट्स, तो यू विल फर्स्ट अरेंज द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? आप क्या करोगे, यू विल फर्स्ट अरेंज द अमंग देमसेल्व्स, सो कितना कॉन्सोनेंट्स है ये, तो इसका अरेंजमेंट क्या आएगा? सिक्स कॉन्सोनेंट से क्या अरेंजमेंट आएगा? सिक्स पी सिक्स, बराबर। इसका अरेंजमेंट क्या आएगा? सिक्स पी सिक्स आएगा, सिक्स पी सिक्स मतलब सिक्स पैक। अभी क्या करना, यहाँ पे ये सब कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक एक एम्प्टी प्लेस छोड़ देना, ठीक है? ये सब कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या छोड़ देना? एक एक एम्प्टी प्लेस छोड़ देना, गैप छोड़ देना। अब सोच के देखो, ये जो गैप्स आपको दिख रहा है जो येलो मार्किंग से, उसमें कहीं पे भी अगर मैंने कॉन्सोनेंट्स को लिखा, सॉरी वॉवल्स को लिखा, ये गैप्स में कहीं पे भी मैंने क्या लिखा? वॉवल्स। विल दे बी टुगेदर? नहीं। देखो आप, अगर मैंने यहाँ पे ओ लिखा, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे आई लिखा, देखो ओ और ए के बीच में क्या आ रहा है? ए और आई के बीच में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, कुछ ना कुछ कॉन्सोनेंट आ रहा है। अरे कितना भी आप ट्राई करके देखो, अभी वॉवल साथ में नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ओ, यहाँ पे लिखा आई, यहाँ पे लिखा ए और आई में से कुछ लिखा, सोच के देखो अब क्या कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवल साथ में है? नहीं, अभी तो उनके बीच में दो दो कॉन्सोनेंट था, करेक्ट? तो जरूरी नहीं कि मतलब यहीं पे लिखना चाहिए। सपोज आई रोट, यहाँ पे लिख दिया होता आई, या यहाँ पे लिख दिया होता आई, बट ये येलो पोजिशंस पे, येलो मार्किंग्स पे कहीं पे भी इफ आई राइट द वॉवल्स आर दे टुगेदर, तो अभी सोच के देखो इसको कैसे लिखो, कितना मार्किंग्स है वहां पे, कितना एम्प्टी प्लेसेस है वहां पे, उसमें आपको क्या अरेंज करना है? थ्री वॉवल्स, ठीक है? आपको अरेंज क्या करना है? सो सेवन एम्प्टी प्लेसेस है, आपको थ्री वॉवल्स को अरेंज करना है, क्या लिखोगे?
करेक्ट. सो आपको क्या लिखना चाहिए, 7p3. सो दैट इज 7 × 6 × सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम्स वेयर इट इज नॉट टुगेदर. ना रे, दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम्स वेयर इट इज नॉट टुगेदर. नॉट टुगेदर का सम आपको ऐसे करना है. ना रे, क्या बोल रहे हैं, नॉट टुगेदर का सम कैसे होता है? तो पहले आप क्या करोगे, बाकी के लेटर्स को, मतलब जिनको साथ में नहीं रखना है उनको छोड़ के बाकी जो है आप पहले उनको अरेंज करो, फिर उनके बीच में आपने क्या रखना है, एम्प्टी प्लेसेस. लेकिन देखो आप, इसके एम्प्टी प्लेसेस था बट गैप्स कितना आया था, 7, एक एक्स्ट्रा ही आता है. दैट इज बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो, करेक्ट. तो यहाँ पे और यहाँ पे भी एक गैप छोड़ा हुआ, तो वी विल ऑलवेज गेट एन प्लस वन. We will always get n plus 1 gaps. तो जितना भी आपका letters होगा उससे एक extra gap आएगा. फिर आप जितना भी values उसमें arrange करना था आप वो arrange करोगे, you will get the answer. ना आ रहा क्या बोले? Sorry किसी को. फिर से एक बार. Suppose we have to arrange the letters of the word sunny. And क्या बोला इस पे? We have to see to it that vowels are not together. So vowels are not together. क्या करोगे पहले? पहले आप consonants को arrange करो. Consonants कितने हैं आपके पास? 4. So आपने 4 consonants को आपस पे arrange किया और क्या रखा? Empty places रखा. Correct? बताओ आपका answer क्या होना चाहिए? पहले क्या लिखोगे? पहले 4p4, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट्स पढ़े. 4p4 दैट विल बी 4π. फिर 5p2. 5 empty places पे 2 वोवल्स को अरेंज किया, सो दैट विल बी 5p2. एंड देन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज टू गेट योर फाइनल आंसर. और कुछ? सपोज द क्वेश्चन वाज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड दुर्गेश. Again, same condition, that the vowels are not together. So, vowels are not together. So, आप count करके देखो, कितना letters है यहाँ पे? 5. Okay, consonants कितने हैं? So, that will be 5p5, that is 5 factorial. कितना gap हुआ होगा फिर? 6. वो 6 places पे आप क्या लिखने वाले हो? 2 vowels. So, that will be 6p2. फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आ रहा है सबको. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम्स ऑफ नॉट टुगेदर. प्रणाम क्या करना है सॉल्व? नहीं समझा सबको? डाउट है किसी को? सोचो आप अगर आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा कि देयर आर 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स टू बी अरेंज्ड, बट अगेन क्या बोला है, द 6 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर. सो हाउ कैन वी अरेंज 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सच दैट गर्ल्स आर नॉट टुगेदर? बताओ क्या लिखना चाहिए. पहले आप क्या लिखोगे? 12 बॉयज को आप अरेंज करोगे पहले, सो वो क्या होगा? 12. सो दैट विल बी 12p12 12. कितना एम्प्टी प्लेसेस होगा उसमें आप क्या अरेंज कर रहे हो? 6 गर्ल्स. सो अपना आंसर क्या होगा? 13p6. तो जो भी रहेगा आप उसको मल्टीप्लाई करोगे आपको उसका आंसर. तो ना रही, सपोज यहाँ पे ऐसे बोला कि ये 12 बॉयज और 6 गर्ल्स है और इसके साथ में एक अलग रो में, ये एक रो था, इसके अलग रो में 6 टीचर्स को भी आपको अरेंज करना है. ठीक है, एक अलग रो में क्या अरेंज करना है? 6 टीचर्स. तो ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट के इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट टीचर्स के अरेंजमेंट को क्यों अरेंज इफेक्ट कर? ये स्टूडेंट्स अब आपस में अरेंज हो रहे थे, अलग रो में 6 टीचर्स को अरेंज कर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे 6 टीचर्स अलग से अरेंज हो गए, सो दैट विल बी 6p6, 6 फैक्टोरियल. फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको उसका फाइनल आंसर आना चाहिए. बराबर? क्या समझ में आ रहा है? समझा कि नहीं? क्या समझा? सेवेंथ वाला क्वेश्चन होमवर्क. अगला एक सी पार्ट क्या लिखा वहां पे? कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजिशन. ठीक है, देखो आप
तो सब में क्या बोले कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजिशन कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजिशन सोच के बताओ इसका मतलब क्या होगा हाउ कैन वी राइट दी अरेंजमेंट्स कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजिशन इवन पोजिशन क्या क्या है यहाँ पे टू फोर सिक्स तो ये चार पोजिशंस पे ये चार पोजिशंस पे यू शुड बी गेटिंग कॉन्सोनेंट्स ओनली अब सोच के देखो कैन कॉन्सोनेंट्स कम इन द अदर फाइव प्लेसेस दैट इज लेफ्ट आउट 1, 3, 5, 7 और 9 में कहीं पे कॉन्सोनेंट आ सकता है क्या आ सकता है सब में ये नहीं बोला कि कॉन्सोनेंट सिर्फ इवन पोजिशन पे रहेगा ऐसा नहीं बोला इवन पोजिशन पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए मतलब क्या अगर आप देखो आपके लेटर्स पे कॉन्सोनेंट्स क्या क्या थे ये छह थे एल जी आर टी एच एम सो दीज वर द सिक्स कॉन्सोनेंट्स दैट वर देयर इन द वर्ड ओके अब सोचो यहाँ पे अगर मैंने एल यहाँ पे लिखा जी यहाँ पे लिखा आर यहाँ पे लिखा टी यहाँ पे लिखा बट अभी भी मेरे पास दो और कॉन्सोनेंट्स रह गए हैं एच और एम तो ऑब्वियसली वो एच और एम को मेरे को ये ऑड पोजीशंस पे कहीं ना कहीं पे लिखना ही पड़ेगा वर्ड कंप्लीट करने के लिए आई विल हैव टू राइट एच एंड एम इन सम ऑड पोजीशंस चेक करके देखो क्या इवन पोजीशंस पे कॉन्सोनेंट आ रहा है देखो आप क्या इवन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ रहा है नहीं आ रहा इवन पे कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा ओके ऑब्वियसली ऑड पे भी दो ऑड पोजीशन पे भी कॉन्सोनेंट होगा बट इवन पोजीशंस पे कॉन्सोनेंट के अलावा कुछ आया क्या नहीं कॉन्सोनेंट्स ही आ दैट इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड अगर ऐसे लिखा होता कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशंस ओनली मतलब ऑड पोजीशंस पे आप कॉन्सोनेंट्स नहीं लिख सकते हो अगर ऐसे सम होता तो क्या एक भी वर्ड बन पाता था ऐसा नहीं, नहीं। चार इवन पोजीशन फिल होने के बाद में दो कॉन्सोनेंट्स को ऑड प्लेस पे लिखना ही पड़ता सुना रहे क्या बोला सो इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन मयूर शायद तेरे अंदर कुछ और भी है जो ऐसा कंट्रोल रखा कर होता होता है ये उम्र में डिसाइड करना पड़ता तो थोड़ा सा ध्यान रख अपना ठीक है एक चापे कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशंस ठीक है तो इसपे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ने चार कॉन्सोनेंट्स को इवन पोजीशंस पे लिख भी दिया तो भी और दो कॉन्सोनेंट्स कहीं पे बचा है उसको ये ऑड प्लेस पे लिखना ही पड़ेगा ठीक है तो सोच के देखो अभी इसका अरेंजमेंट कैसे करें हाउ कैन वी राइट द अरेंजमेंट नाउ सोच के बताओ द वर्ड कंटेन्ड सिक्स कॉन्सोनेंट्स एंड थ्री वॉवल्स करेक्ट सो यहाँ पे एल जी आर टी एच एम ओ ए और आई ये सबको आपको यूज करके वर्ड फॉर्म करना ध्यान में क्या रखना है कि आपको इवन पोजिशंस पे कॉन्सोनेंट्स ही आना चाहिए मतलब कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए इवन पोजीशंस पे क्या आना चाहिए कॉन्सोनेंट्स यू कैन नॉट राइट वॉवल्स ओवर कॉन्सोनेंट्स को आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा इवन पोजीशंस पे लिखना पड़ेगा बताओ क्या लिखना चाहिए क्या क्या ऐसा वर्ड लिखते लिखते बैठोगे तो नहीं होगा वही मैंने बोला कि आपको क्या सोचना चाहिए एन क्या है आर क्या है ऐसे सोच के करोगे तो ही होगा व्हाई आर वी राइटिंग 4P4 इवन पोजीशंस तो फोर है बट आपको वहां पे लिखना क्या है छह कॉन्सोनेंट्स में से किसी को लिखना तो व्हाई शुड आई राइट 4P4 आई शुड बी राइटिंग इट एज 6P4 तो यहाँ पे 6P4 करके लिखा मैंने ठीक है यहाँ पे मैंने क्या लिखा 6P4 मतलब क्या छह कॉन्सोनेंट्स में से चार मैंने इवन पोजीशंस पे लिख दिया अभी भी कितना कॉन्सोनेंट्स बच गया और क्या बच गया है तीन ठीक है तो ये होने के बाद में भी अपने पास कितना लेटर्स बच गया है
सो वी स्टिल आर लेफ्ट विथ फाइव लेटर्स, दो कॉन्सोनेंट और तीन. सो अभी भी कितना लेटर्स बाकी है अपने पास? कितना जगह है खाली पड़ा हुआ? खाली कितना? बीबी पांच खाली जगह भी पड़ा. तो अब क्या लिखना चाहिए आपको? लिखना चाहिए पाई पी. क्या लिखना चाहिए? पाई पी. पांच लेटर्स को आपने पांच खाली जगह पे फिल किया पाई पी पर, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड दैट विल गिव यू योर फाइव लेटर्स. सुना आ रहा है? डाउट है किसी को? तो दिस इज हाउ वी हैव टू अरेंज द case when consonants are at even. Okay, this is how we have to arrange when consonants are at even. Out hai kisi ko isme? Theek hai, likho aap C part. Consonants are at even positions, uske niche ye arrangement likho. कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजिशंस करके लिखो और उसके नीचे वो अरेंजमेंट भी लिखो जो आप पे लिखा हुआ है. जैसे लिखा है वैसे लिखो. आप नंबर्स डाला था पोजिशंस के लिए, इवन पोजिशंस को ब्रैकेट में रखा है वगैरह वगैरह. तो जैसे लिखा है वैसे लिखो. आप 6 × 5 × 4 × 3 = 360 है. 360 × 120 = 43200 है. 43200 ऐसा है. समझा गया नहीं सबको? किसी को इसमें लास्ट वाला पार्ट देखो. वहां पे क्या बोला है कि दीपिंग क्या बोला है? O is the first and D is the last letter. ठीक है, आपको अरेंजमेंट ऐसे करना है कि O is the first, O is the first and T is the last letter. So you have to arrange in such a manner that the word will begin with O and end will end with T. नारे O से ही start होगा, T से ही खत्म होगा. बताओ आंसर क्या है? O से ही start होगा, T से ही खत्म होगा. बीच में बहुत सारे letters है ना, लेकिन सेवन पी सेवन क्यों? बराबर है. 7P7 इसका करेक्ट आंसर. ओके, व्हाई इज इट सो? उसने जो जस्टिफाई किया वो भी राइट है. ओके, O से स्टार्ट होगा और T से ही खत्म होगा. तो मतलब O और T का पोजीशन फिक्स्ड है. O से ही स्टार्ट होगा, T से ही खत्म होगा, मतलब O और T का पोजीशन फिक्स्ड है. अब यहाँ पे बाकी कितना लेटर्स का जगह बचा है? लॉगरिथम में से आप, सॉरी, एल्गोरिथम में से आपने O और T को निकाल दिया तो 7 लेटर्स भी आपके पास बचा. 7 लेटर्स आपके पास है, 7 जगह में आपको उसको अरेंज करना. ऑब्वियसली द आंसर विल बी 7. तो ये 7 खाली जगह पे आपको 7 लेटर्स को लिखना था. 7P7 हो जाएगा. सो दैट इज 7. डाउट है कुछ इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने सिर्फ ए और बी होमवर्क के लिए बोला था ना. अभी आप बाकी का पार्ट भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि हम लोग ने बाकी का जो डिस्कस किया वो सब के बेसिस पे यू कैन सॉल्व दी रिमेनिंग. तो 8th वाला क्वेश्चन भी आप पूरा होमवर्क के लिए मार्क कर, मतलब यू कैन अरेंज एनी लेटर इन एनी प्लेस. तो हिस्ट्री का 7 लेटर्स को 7 प्लेस पे अरेंज करो. 7P7 फैक्टर, वो नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब. यस, इसका आंसर तुम लोग लिखो वर्ड्स में, स्टेटमेंट फॉर्म करके लिखो इसका. अभी मैंने इतना एक्सप्लेन किया ना, एकदम तुम लोग सॉल्व करो इसको. आपको कैसा लिखना चाहिए ये अरेंजमेंट लिखने के बाद में, ठीक है? ये अरेंजमेंट लिखने के बाद में आपको क्या लिखना चाहिए? वर्ड बिगिंस विद ओ एंड एंड्स विद टी, सो देयरफॉर दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस. द रिमेनिंग 7 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 7 प्लेसेस, दैट इज 7P7 इक्वल टू 7. बस उतना, ठीक है? करो, स्टार्ट करो. ये लिखो, अरेंजमेंट लिखो और इसका आएगा स्टेटमेंट लिखो.